ते नाभा जेल दे बाहर कांग्रेसियां ने हंगामा किया है। जमानत दे बावजूद जेल दे विच धर्मसोत बंद ने, इस नूं लैके कांग्रेसी हंगामा कर रहे ने। अज दी रात भी धर्मसोत जेल दे विच ही कट्टणगे क्योंकि दूजे दिन भी वो जेल तो बाहर नहीं आए। कल हाई कोर्ट ने साधु सिंह धर्मसोत नूं जमानत दित्ती सी पर अज तक उन्हां दी रिहाई नहीं हुई, जिस तों बाद कांग्रेसियां ने हुण नाभा जेल दे बाहर हंगामा किया है। सवाल पुछ रहे ने उह कि कदों धर्मसोत नूं जेल तो बाहर कढ़िया जाएगा क्योंकि कल अदालत ने जमानत संबंधी फैसला सुना दिता सी पर अज भी उन्हां दी रिहाई नहीं हुई। सो साधु सिंह धर्मसोत की रिहाई नूं लैके प्रदर्शन किया है कांग्रेसियां ने क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट वालों रैगूलर बेल दे दिती गई है और रैगूलर बेल कल दिती गई सी, जिस तों बाद अज भी उन्हां दी रिहाई नहीं हुई। सो इस नूं लैके कांग्रसियां दे विच रोस है और उस तों बाद नाभा जेल दे बाहर कांग्रसियां ने इकट्ठे हो के प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है कि दो दिन हो गए। साढ़े नाल APS दियोल ने, सीनियर एडवोकेट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के, साधु सिंह धर्मसोत के वकील ने। दियोल साहब, की वजह है कल ऑर्डर आ गए सी, अज तक रिहाई क्यों नहीं हुई? तुहानू कोई उन्होंने कारण दस्सिया? दियोल साहब, मेरी आवाज मिल पा रही है? कोशिश करांगे APS दियोल दे नाल गलबात करन दी। सीनियर वकील ने साधु सिंह धर्मसोत दे केस नूं उही डील कर रहे सी, उही पेश होए सी और उन्हां वल्लों ही दलीलां दित्तियां गईयां सी। उस तों बाद कोर्ट ने रेगुलर बेल दे दित्ती है। APS दियोल पंजाब दे साबका एडवोकेट जनरल भी रह चुके ने, जदों चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने सी उदों इन्हां नूं AG लगाया गया सी। सो कोशिश करांगे उन्हां दे नाल गलबात करन दी। तस्वीरां असीं दिखा रहे हाँ, कांग्रसियां वल्लों प्रोटेस्ट किया गया है, प्रदर्शन किया गया है नाभा जेल के बाहर। नाभा जेल जिथे साधु सिंह धर्मसोत बंद ने, नाभा जेल के बाहर उन्हां वल्लों प्रदर्शन किया गया है और अज रात भी साधु सिंह धर्मसोत नूं जेल के विच ही कट्टणी होएगी क्योंकि उन्हां नूं रिहा नहीं किया गया, क्योंकि शाम 5 बजे तक 6 बजे तक भी रिहाई हो जाती है जदों कोर्ट तो ऑर्डर पहुँच जाते हैं, पर दूसरे दिन भी रिहाई नहीं हुई। साढ़े सहयोगी भुपिंदर जुड़े ने नाभा तो, भुपिंदर सिंह। भुपिंदर, की वजह है, कुछ पता चलिया है क्यों साधु सिंह धर्मसोत की रिहाई नहीं हुई हले तक कोर्ट तो जेल तो? जी, मैं तुम दस चाहना, जो मानयोग हाई कोर्ट वालों जो बेल आर्डर आई सी, जो हुण नवीं धारावां विच ऐड किए गए ने 420, 467, 468, 471, जिहड़े जेल सुपरिटेंडेंट ने दस्सिया भी इह जो धारावां ने जो बेल जमानत साडे कोल पहुंचिया इह धारावां विच ऐड नहीं हैगियां, तां करके जमानत नहीं मिली, जिस करके हुण जिहड़ा काफी रोस प्रदर्शन किया जा रहा कांग्रेस वर्कर जिहड़े जेल प्रशासन के खिलाफ पंजाब सरकार के खिलाफ लगातार रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। तुहानूं दस दे जी, अज 85 दिन हो गए पंजाब के सबका कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत नूं जेल के अंदर, तो अज दूजा दिन आ गया जदों कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वालों जो जमानत दी गई थी, अज दूजे दिन भी जिहड़ी हैगी आ अज रिहा नहीं हो सके साधु सिंह धर्मसोत जी। नहीं, भुपिंदर, नवीं धारावां कदों ऐड कीतियां गईयां सी? उन्हां नूं भी अज पता लग्या, जेल सुपरिटेंडेंट नाल गल कीती आ, कहिंदे जदों साडे कोले फैक्ट आई आ उस विच इह ऐड नहीं सन इह धारावां, यह नवा केस लग रहा कुछ, वो दस रहे हैं भी जेडे यह धारावान जो ऐड कित 420, 467, 468, 471 भी हूँ दुबारे जेडे वकील ने साधु सिंह धर्मसोत के उन्होंने दुबारे कोर्ट का रुख करना पेगा, फिर उस तो बाद ही जमानत मिल सकेगी जी। और उन्होंने जेल प्रशासन भी नहीं यह पता सी कि धारावान के तहत है? नहीं, प्रशासन बिल्कुल पता नहीं, जो उन्होंने को फैक्ट आ शाम 5 बजे ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਕਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਧਰਮਸੋਧ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਵਿਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ जेल अधिकारियों के कहने के मुताबिक, और जमानत जिन्हां धारावां दे विच मिली है उस तो बाद कुछ होर वक्खरियां धारावां बारे जेल प्रशासन नूं जानकारी मिली, जिस करके जेल प्रशासन ने उन्हां दी रिहाई नहीं की, यानी हुण दोबारा साधु सिंह धर्मसोत दे वकीलां नूं कोर्ट का रुख करना पएगा।